अगर आप भी बाइक खरीदने का मन बना रहे हैं और आपका बजट बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम आपको ऐसी दमदार बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि शानदार फीचर्स के साथ आ रही है और नई बाइक का माइलेज भी बहुत ही अच्छा है। कीमत तो बस इतनी कि जानते ही तुरंत खरीदने का मन करेगा। यामाहा ने नई 2023 यामाहा एफजेड 15 को ब्राजील में लॉन्च कर दिया है। कंपनी इस दक्षिण अमेरिकी देश में बाइक को फीजर एफजेड 15 के नाम से बेचती है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस मोटरसाइकिल को भारत में अपडेटेड यामाहा एफजेड V3 के रूप में पेश किया जा सकता है। नई यामाहा एफजेड 15 के लॉन्च के बाद से ही इस बाइक के चर्चा में आने का मुख्य कारण इसका इंजन है। नई यामाहा फीचर एफजेड 15 ब्लू फ्लेक्स सिस्टम के साथ एक 150 cc इंजन में आती है, जो पेट्रोल के अलावा इथेनॉल से भी चल सकती है। आपको जो भी अधिक किफायती लगे, दोनों के बीच चयन कर सकते हैं। अब फीचर्स के बारे में बात करें तो नई यामाहा बाइक में प्रोजेक्टर और LED हेडलाइट, फ्रंट में ABS ब्रेक, दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक, मोनोक्रॉस सस्पेंशन, चौड़े टायर और घड़ी के साथ 100% डिजिटल पूर्ण पैनल, गियर इंडिकेटर, टैकोमीटर और ECO फंक्शन मिलेगा, जो सबसे किफायती ड्राइविंग मोमेंट को दर्शाता है। बाइक में ऑप्टिकल असेंबली, टैंक और एयर इंटेक की एग्रेसिव लाइनों पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही बाइक को एक मजबूत और आकर्षक फेयरिंग मिलती है। बता दें कि लंबी और चौड़ी दो स्तरीय सीट बिना थके कई घंटों की सवारी के लिए फिट है। मोनोक्रॉस सस्पेंशन, एक्सीलेंट शॉक एब्जॉर्बेशन और अधिक स्थिरता में योगदान देता है। अभी ब्राजीलियाई एफजेड में भारत में एफजेड V3 की तरह 149 cc सिंगल सिलेंडर इंजन का उपयोग किया गया है। हालांकि 2023 के लिए यामाहा ने मोटर में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जो अब इथेनॉल के साथ साथ पेट्रोल से भी चल सकती है। यह इंजन पेट्रोल मोड में 12.2 BHP और इथेनॉल मोड में 12.4 BHP का उत्पादन करने की क्षमता रखता है। दूसरी ओर टॉर्क के आंकड़े 13.3 Nm से घटकर 12.7 Nm हो गए हैं। अपडेटेड इंजन के अलावा यामाहा ने 2023 एफजेड 15 में रबर का एक नई पेयर भी लगाया है। मोटरसाइकिल में अब प्रीमियम पिरेली डियाब्लो रोसो 2 टायर स्टैंडर्ड के रूप में मिलते हैं। ये फ्रंट में 100 सेगमेंट और रियर में 140 सेगमेंट के हैं, जो 17 इंच के व्हील्स में लिपटे हुए हैं। आपको बता दें कि जल्द ही इस बाइक को लॉन्च किया जाएगा। इथेनॉल का सबसे बड़ा सिंगल यूज इंजन ईंधन और ईंधन एडिटिव के रूप में है। ब्राजील विशेष रूप से इथेनॉल की दुनिया के प्रमुख उत्पादकों में से एक के रूप में अपनी भूमिका के कारण इंजन ईंधन के रूप में इथेनॉल के उपयोग पर बहुत अधिक निर्भर करता है। ब्राजील में बेचे जाने वाले गैसोलीन में कम से कम 25% निर्जल इथेनॉल होता है। देश में बिकने वाली 90% से अधिक नई गैसोलीन ईंधन वाली कारों में हाइड्रस इथेनॉल, लगभग 95% इथेनॉल और 5% पानी का उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। डेस्क से गोविंद की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।